Hello and welcome to Gitanjali Academy Learning Classes. My dear children of class 4, today we are going to study another new chapter of your EVS subject, lesson number 5, Animals Around Us. All living things on earth have been divided into 5 main groups. सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं धरती पर, इन्हें 5 मुख्य समूह में बांटा गया है. 2 groups are those of microbes. इनमें से 2 ग्रुप हैं जिनको microbes के रूप में ग्रुपिंग करा गया है, विच आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय अवर आईज, बट दे कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप. सो यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम. हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. दे इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं. द थर्ड ग्रुप इज फंगी, द फोर्थ इज प्लांट्स एंड द फिफ्थ इज एनिमल्स. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन मेनी शेप्स एंड साइजेस. इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फिशेज, मैमल्स, बर्ड्स आर ऑल एनिमल्स. एंड येस, ह्यूमन्स आर एनिमल्स टू. पूरा संसार जो है अलग अलग प्रजातियों से भरा पड़ा है जानवरों की, और ये जानवर अलग अलग शेप्स और साइज में पाए जाते हैं. इंसेक्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स हैं जो रेंगते हैं, फिशेज हैं, मैमल्स जो बच्चे देते हैं, बर्ड्स हैं, और भी पता नहीं न जाने कितने टाइप के अलग अलग एनिमल्स मौजूद है. और एक बात, जो हम इंसान हैं, ह्यूमंस, हमें ह्यूमंस कहा जाता है, हम इंसान भी एक प्रकार के जानवर ही हैं. एनिमल्स फैमिली, चलिए देखते हैं एनिमल्स की फैमिलीज कैसी कैसी होती है और क्या क्या बोलते हैं. एनिमल्स हैव बीन ग्रुप्ड अगेन इन टू डिफरेंट फैमिलीज बेस्ड ऑन हाउ देयर बॉडीज वर्क. बॉडी के काम करने के तरीके की वजह से एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, अलग अलग फैमिली के बेस पर. टाइनी एनिमल्स विथ 6 लेग्स एंड हार्ड आउटर शेल्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. अब जो बहुत छोटे एनिमल्स हैं जिनके 6 पैर हैं और ऊपर की जो बॉडी है उसकी सतह बहुत ही हार्ड है, जिसे हम आउटर शेल्स कहते हैं, इस तरीके के जानवर को हम इंसेक्ट्स कहते हैं. एनिमल्स विद फेदर्स एंड बीक्स आर कॉल्ड बर्ड्स. जो एनिमल्स के पर होते हैं, चोंच होती है, उसको हम बर्ड्स कहते हैं. द एनिमल्स दैट कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर एंड देयरफॉर बिकम स्लगिश इन कोल्ड वेदर आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. वो जानवर जो अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो दैट इज़ वाई वी आर एक्चुअली कॉलिंग देम एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सो जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो एम्फीबियंस वो जानवर को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स दैट कैन ब्रीद अंडर वाटर आर कॉल्ड फिशेज. जो पानी के अंदर सांस ले सकते हैं उन्हें हम फिशेज कहते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड मैमल्स. ये जो मैमल्स होते हैं इन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. इनके बॉडी पे फर होते हैं, यानी मखमली बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर, बॉडी पर. द ईजीज मैमल हैं और जो एनिमल्स मैमल नहीं हैं, तो वो कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल उनके कान के ऊपर हम ध्यान देंगे. सो आप देख सकते हैं पक्षियों के जो कान होते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं. अगर आप देखना चाहें जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके भी कान जो होते हैं वो हार्डली हम स्पॉट कर पाते हैं. मच्छियों के कान भी हमें नज़र नहीं आते हैं. जो इंसेक्ट होते हैं उनके भी कान हमें नज़र नहीं आते हैं. लेकिन जैसे खरगोश हुए, जैसे अगर हम बोलें कि गोट हुआ, इन सब के हमें कान बहुत अच्छे से और सही तरीके से नज़र आते हैं, तो हम इन्हें इजीली लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं इनके कान कहाँ हैं. और ये ही होते हैं मैमल्स. आउटर ईयर्स और विजिबल ईयर्स हेल्प मैमल्स टू लोकेट वेयर अ साउंड इज कमिंग. जो इनके बाहरी कान होते हैं इससे वो पता लगाते हैं कि इसकी आवाज़ किधर से आ रही है. लार्ज ईयर्स मेक साउंड्स क्लियर एंड ईजियर टू हियर. ये बड़े कान आवाज़ को क्लियरली सुनाते हैं और उनके लिए आसानी हो जाती है सुनने के लिए. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट मैमल्स पता लगाना है कि एनिमल मैमल है या नहीं है, तो ये कानों का जो एक बहुत ही बेस्ट तरीका है इससे आप पता लगा सकते हैं. तो जिन जानवरों के कान आप देख सकते हैं वो मैमल हैं, और जिनके नहीं देख पाते हैं वो मैमल्स नहीं हैं. लिविंग टुगेदर, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक साथ रहना पसंद करते हैं. मोस्ट एनिमल्स लाइक टू लिव विद अदर एनिमल्स ऑफ देयर ओन काइंड और स्पीशीज. लार्ज ग्रुप आर बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर एंड देयर आर ऑलवेज सेवरल आई सर्चिंग फॉर फूड. सो कुछ मतलब लगभग सभी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने तरीके के एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं, अपनी प्रजातियों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अगर कोई मतलब जैसे शिकार करने वाला कोई और दूसरा जानवर है उससे वो अपने आप को एक ग्रुप में बचा सकते हैं.
अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट. सो जब हम स्वार्म की बात करते हैं इट इज़ लाइक अ ग्रुप. सो जब हम इंसेक्ट्स जब एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम उसको स्वार्म कहते हैं, अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स. तो कैसे होते हैं, किस तरीके के इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बीज, आपने मधुमक्खियाँ भी देखी होंगी है ना, लाइक टर्माइट्स देखे होंगे जिसे हम दीमक कहते हैं, ये भी एक साथ रहती है, ग्रुप में रहती है. चींटियाँ आपने देखी होगी, ये भी एक साथ रहते हैं और ये अपनी खुद की कॉलोनीज बनाते हैं जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं सोशल इंसेक्ट्स, बिकॉज दे लिव इन अ ऑर्गेनाइज सोसाइटी. ये एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं और इनकी सोसाइटीज़ में कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ सोल्जर्स होते हैं, ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सर्वाइवल ऑफ देयर कॉलोनी. बट देयर आर इंसेक्ट्स दैट स्टे टुगेदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कम पीरियड के लिए रहते हैं. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड स्वार्मिंग. इस तरीके से साथ में रहना, एक बहुत बड़े झुंड में रहना, इसको हम स्वार्मिंग कहते हैं. द मोस्ट फेमस स्वार्मिंग इंसेक्ट बटरफ्लाइज होती हैं मोस्टली, जिसे हम कहते हैं द मोस्ट फेमस स्वार्मिंग इंसेक्ट दैट इज़ मोनार्क बटरफ्लाई. द मोनार्क बटरफ्लाई इज़ द ओनली बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड दैट माइग्रेट्स इन अ ग्रुप टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर. यानी कि जो कोल्ड विंटर होता है, कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड विंटर सीज़न में सर्वाइव करने के लिए ये लोग बहुत बड़े ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं. अब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं उन इंसेक्ट्स के नीचे नाम दिए हैं, जैसे कि स्टिंग बग्स हो गया, लॉकस्ट हो गया और स्पाइडर्स हो गए, और एपफिड्स के बारे में बताया गया है. ना चिल्ड्रन, जब हम फिशेस की बात करते हैं तो जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है फिश का जो एक साथ रहता है, तो इसकी एक खुद की ओन स्पीशी होती है जिसको एक ग्रुप में इसका नाम दिया गया है शॉल्स. जो फिश है वो एक ग्रुप में ट्रैवल करती है. जब ट्रैवलिंग करते हैं ये लोग एक ग्रुप में तो उसको हम स्कूल्स भी कहते हैं. जब भी फिश एक साथ होते हैं, एक साथ मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम स्कूलिंग कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? बर्ड्स के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं. ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ देयर ओन काइंड. ये चिड़िया अपने जैसी चिड़ियाओं का ग्रुप ढूंढती हैं और उसको एक बहुत बड़े ग्रुप में सम्मिलित कर लेते हैं. दे आर द मोस्ट कॉमनली सीन ग्रुप एनिमल्स. सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला बड़ा बड़ा ग्रुप जो होता है वो चिड़ियाओं का ही होता है. इवन इन योर नेबरहुड यू मे हैव सीन द फ्लॉक्स ऑफ स्पैरोज, पिजन्स. आपने देखा होगा कौओं का ग्रुप, स्पैरोज का ग्रुप, पिजन्स का ग्रुप. दे ऑलवेज गैदर टुगेदर टू फीड और रेस्ट. या तो ये एक साथ आराम करने के लिए एक साथ होते हैं या फिर खाना ढूंढने के लिए. अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज इज कॉल्ड अ पैट. जब बहुत सारी फ्लेमिंगो बर्ड्स एक साथ होती हैं तो उसको हम पैट कहते हैं. ग्रुप ऑफ सीगल्स इज कॉल्ड फ्लॉक. जो क्रोज होते हैं तो हम उसको मर्डर कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स होते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं. तो ये समझ लीजिए कि हर बर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. रेप्टाइल्स के भी ग्रुप होते हैं. मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं जब वो साथ में होते हैं, बहुत बड़ा एक साथ ग्रुप होता है, उसको ग्रुप ही कहा जाता है. मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस यूजुअली प्रिफर टू लिव अलोन. अब यहाँ ये बात हो रही कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मोस्टली अकेला रहना पसंद करते हैं. दे डू नॉट मूव अराउंड इन ग्रुप्स. ये लोग एक साथ ग्रुप में कोई मूव नहीं करता है. ये अपने अपने मर्जी से अपने अपने तरीके से रहते हैं. देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस व्हेन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस स्टे टुगेदर. इसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो साथ में रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए. यूजुअली ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस. जब भी कोई सीज़न चेंज होता है तभी ये लोग इस तरीके से साथ में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं. ड्यूरिंग द मानसून और लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स गैदर इन पॉन्ड्स और वेल. जनरली जो जब भी मानसून होता है तो जो फ्रॉग्स होते हैं यानी कि मेंढक होते हैं वो उनका बड़ा बड़ा ग्रुप एक साथ आता है. ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड रीजन लार्ज नंबर ऑफ स्नैक्स गैदर इन अंडरग्राउंड हॉलोज टू हाइबरनेट. सो हाइबरनेट होने के लिए बहुत बड़े लार्ज ग्रुप में हम सांपों का एक झुंड देख सकते हैं विंटर सीजन में, जो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं किसी हॉलो स्पेस में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ग्रुप ऑफ मैमल्स. ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स कम टुगेदर टू लिव इन अ ग्रुप ऑफ देयर ओन स्पीशीज फॉर ईदर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एवर. मोस्ट बिहेवियर एनिमल्स मूव इन हर्ड लिविंग टुगेदर फ्रॉम बर्थ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द हर्ड. मैनी कार्निवोरस एनिमल्स लिव एंड हॉन्ट इन पैक्स. दिस हेल्प्स देम इन हंटिंग दे प्रे मोर इफेक्टिवली. सो जो मैमल्स होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं अच्छे लाइक टाइम के लिए. ये लोग एक साथ रहते हैं काफ़ी समय के लिए नहीं, बाकी फॉर एवर रहने की भी कोशिश करते हैं. लेकिन
इनकी चॉइस होती है, ये कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी साथ होते हैं और फॉर एवर भी हो सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है। सो कुछ इसमें से हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो एक साथ एक झुंड में घूमते हैं और लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं अपने बर्थ से आगे समय के लिए, ताकि ये झुंड में एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। इसमें से कुछ एनिमल्स, बहुत से ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं और ये एक पैक बनाकर अगेन सर्वाइव करते हैं और शिकार ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्रुप दैट यू मे हैव सीन आर ग्रुप्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हर्ड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज, फ्लॉक ऑफ शीप और पैक्स ऑफ डॉग्स आर कॉमन। सो डोमेस्टिक एनिमल्स की जनरल लाइक नॉलेज आपको ऑलरेडी है ही, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो आई मीन इसमें भी वही चीज़ बताइए, किस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो सेम ग्रुपिंग बिहेवियर होता है एज इवन लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स शो द सेम ग्रुपिंग बिहेवियर एज वाइल्ड एनिमल। जैसे वाइल्ड एनिमल्स साथ रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स भी साथ रहना पसंद करते हैं, इवन दो दे हैव बीन लिविंग विद ह्यूमंस और फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से डोमेस्टिक एनिमल्स ह्यूमंस के साथ भी रहना जानते हैं और समझते हैं किस तरीके से वो रह सकते हैं। नो लॉन्गर नीड ऑफ सर्च फॉर फूड और प्रोटेक्शन। ये ह्यूमन्स के साथ रहते हैं तो इनको कोई खाने या प्रोटेक्शन की कोई डर या टेंशन नहीं होती है। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड ऑन मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज फॉर प्रोटेक्शन एंड टू हेल्प देम सर्च फॉर फूड एंड दे नीड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। लायंस हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। जब भी शेर जो होते हैं बड़े बड़े ग्रुप में, ये लोग एक साथ जाते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, इनको प्राइड बोलते हैं इनके ग्रुप को। हाइनास, वोल्फ्स एंड जैकल्स हंट इन पैक्स। ये सब पैक, पैक मतलब ग्रुप होता है, उसमें ये लोग शिकार करते हैं। एंड वाइल्ड एनिमल लाइज इन अ ग्रुप दैट इट बिलोंग्स टू, एंड एनिमल्स दैट डू नॉट लिव और हंट इन ग्रुप्स आर कॉल्ड सॉलिटरी एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रुप में हंटिंग नहीं करते हैं उन्हें हम सॉलिटरी एनिमल्स कहते हैं, और ये साथ में रहना भी पसंद नहीं करते हैं। मोस्ट लाइक कैट्स एक्सेप्ट फॉर द लायन आर सॉलिटरी एनिमल्स। बेयर्स, पांडाज आर सॉलिटरी। बेयर जो होता है, भालू हुआ, पांडाज हुआ, ये सब सॉलिटरी हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। प्रेफरिंग टू स्टे विद इन देयर ओन टेरिटरी, अपने ही टेरिटरी में रहते हैं। एंड चेजिंग अवे अदर मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। सम बिहेवियर्स लाइक एल्फ एंड डायनासोर आर सो पावरफुल दैट दे डू नॉट फील द नीड टू हैव अ हर्ट टू कीप देम सेफ। सो वाइल्ड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डॉन्ट लाइक टू लिव एंड वर्क टुगेदर। टू सी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर्किंग इन वन ग्रुप इज अननेचुरल। तो इस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि ये लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे एक ही स्पीशीज़ के क्यों ना हो। ये अपनी मस्ती और अपनी धुन में रहना पसंद करते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, किसी चीज़ का इंटरफेरेंस उसको पसंद नहीं है। अफ्रीका हैव टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स फीडिंग टुगेदर इन वन एरिया। अफ्रीका में दो से ज़्यादा ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जो एक साथ खाते हैं एक ही एरिया में, एंड दे आर नॉट मिक्स इनटू अ सिंगल ग्रुप। और ये किसी एक ग्रुप में मिक्स नहीं होते एज इट अपियर्स, इट इज़ लाइक अ मिक्सड हर्ड। क्रुएलिटी टूवर्ड्स एनिमल्स। सो कई बार ऐसा देखा है कि ह्यूमन जो हैं वो अपने एंटरटेनमेंट, अपने फन और अपने जायके के लिए एनिमल्स का बहुत ही बुरी तरह क्रूएली उनका यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड अ क्रुएलिटी वी एक्चुअली फॉर द एनिमल्स समटाइम वी पीपल डू। मैनी सर्कसेस कीप वाइल्ड एनिमल्स टू परफॉर्म फॉर अवर एंटरटेनमेंट। सबको पता होगा सर्कस में बहुत से ऐसे जंगली जानवरों का इस्तेमाल होता है ताकि वो एंटरटेनमेंट कर सके ह्यूमंस का। दे कीप दीज एनिमल्स इन अ केज, और इन जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है इवन विदाउट पेइंग अटेंशन ऑन दैम। किसी प्रकार का उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। टू वॉट मेक्स दैम हैप्पी, और इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता कि वो कौन सी चीज़ है जिससे उनको खुशी मिल सकती है। सॉलिटरी एनिमल्स लाइक टाइगर्स आर कैप्ट इन ग्रुप, एंड ग्रुप एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स आर कैप्ट अलोन। और जो सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं यानी अकेला रहना जो पसंद करते हैं लाइक टाइगर्स आर कैप्ट इन ग्रुप, इन्हें ग्रुप में रख दिया जाता है। और ग्रुप एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, और जो एलिफेंट्स हैं जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है उन्हें अकेला रख दिया जाता है। इस तरीके से इन लोगों के साथ गलत किया जाता है। दीज वाइल्ड एनिमल्स आर मेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद पीपल। अब इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि जैसे कि ये इंसानों से भी इंटरेक्ट करे। दे आर मेड टू डू ट्रिक्स, और इन्हें ट्रिक्स सिखाई जाती है। दे आर बीटन, इन्हें मारा भी जाता है, इन्हें खाना भी ठीक से खिलाया नहीं जाता। वी मस्ट नॉट इंक्रेज सर्कसेस यूजिंग वाइल्ड एनिमल। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इंक्रेज नहीं करना चाहिए कि वो सर्कस में ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को यूज़ करें। सर्कस एनिमल्स आर नॉट पेट
एंड आर यूजुअली अनहैप्पी एनिमल्स. सो सर्कस में यूज़ किए गए एनिमल्स ना तो पेट होते हैं और ना ये खुश होते हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी. इवन इन आर डेली लाइफ वी सी एनिमल्स बींग मिसट्रीटेड. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि एनिमल्स के साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर किया जाता है, बिहेव किया जाता है. सम पीपल टाई फायर क्रैकर्स, कुछ लोग होते हैं जो इनके पूँछ में, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, और इनके पूँछ में हम जो क्रैकल होते हैं यानी कि जो पटाखे होते हैं वो बांध देते हैं और उनको कष्ट पहुँचाते हैं, पत्थर मारते हैं. वी शुड स्टॉप दीज थिंग, हमें ये सब चीज़ें रोकना चाहिए. वी शेयर अवर प्लानट विद दीज एनिमल, हम हमारे इस ग्रह को जानवरों के साथ हमें शेयर हम करते हैं और हमें करना चाहिए बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स ऑल्सो. वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए एनिमल्स के प्रति. इनके साथ हमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे उनको किसी प्रकार का हार्म पहुँचे. एनिमल्स इन आर लाइफ, सो हमारी ज़िंदगी में एनिमल्स का क्या रोल है ये तो खैर ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम भी पढ़ेंगे और थोड़ा और. ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव लिव टुगेदर फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. आपको पता ही होगा कि इंसान और जानवरों का बहुत पुराना नाता है, कई सालों, हज़ारों सालों से चलता आ रहा है. मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन्स, कई सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जा रहा है, जाता है इंसानों के द्वारा. हर्बीवोरस लाइक, जो हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, लाइक शीप हुई, भेड़ हुई, कैटल हुआ, गोट हुआ, हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर स्किन. इनको उनकी चमड़ी, दूध, फर और मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि जो जानवर खाते हैं, खुद जानवर है और दूसरे जानवरों को ये खाते हैं, जैसे कि कुत्ते हुए, कैट्स हुआ, ये भी डोमेस्टिकेट करे जाते हैं कंपेनियनशिप के लिए यानी एक साथी के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है. दीज एनिमल्स हैव चेंज सो मच इन ऑल दीज ईयर्स दैट दे आर नो लॉन्गर वाइल्ड. इनको इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि अब ये जंगली जैसे हैं ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट कर दिए गए हैं. दे लाइक टू बी विद ह्यूमन्स, अब इनको ऐसा बना दिया गया है कि इन्हें ह्यूमन्स के साथ रहना बहुत पसंद आता है. दे फील सेफ, इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सेफ हैं और इनको ह्यूमन की कंपनी भी पसंद आती है. ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव वाइल्ड रिलेटिव्स, एनिमल्स दैट आर सिमिलर टू देम बट नॉट टेम. डोमेस्टिक कैटल हैव वाइल्ड रिलेटिव्स लाइक द गॉड. डोमेस्टिक गोट, शीप हैव वाइल्ड कजन्स लाइक द माउंटेन गोट. डॉग्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वाइल्ड कैट्स एंड दीज वाइल्ड रिलेटिव्स आर नॉट द सेम एज देयर डोमेस्टिक कजन्स. दे आर शाई ऑफ ह्यूमन्स एंड दे नॉट फील सेफ इन ह्यूमन कंपनी. ह्यूमन्स मस्ट लीव देम अलोन. अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे कि जिन जानवरों को हमने डोमेस्टिकेट कर लिया है उनके जो कजन्स हैं, जो रिलेटिव हैं, वो वाइल्ड वाले भी हैं. जैसे वाइल्ड गोट भी होती है, वाइल्ड डॉग भी होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और ये लोग ह्यूमंस के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं. ये लोग अपने आप को बड़ा ही अनसेफ महसूस करते हैं ह्यूमन कंपनी में. और आखिरी में ये बताया गया कि ह्यूमन को इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन अपने मतलब के लिए जानवरों को यूज़ कर लेता है, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रोटेक्शन हो, किसी भी तरीके से एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, मैनी एनिमल्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस. डोमेस्टिकेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स कैरी लोड्स एंड गिव अस मिल्क, मीट, लेदर एंड फर. वी मेक वूल आउट ऑफ द फर ऑफ द शीप. वी गेट मीट फ्रॉम डोमेस्टिक गोट्स एंड चिकन्स. हॉर्सेस कैरी हैवी लोड्स फॉर अस एंड काउ गिव्स अस मिल्क. डॉग्स गार्ड अवर हाउस एंड कैट्स कीप अवर होम फ्री ऑफ पेस्ट. फ्री ऑफ पेस्ट, डॉग आर ट्रेन टू वर्क फॉर द पुलिस फोर्स. डॉग्स को ट्रेन किया जाता है पुलिस फोर्सेज में. डॉग्स ऑल्सो सर्व एज सर्विस डॉग्स फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल. सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है जानवरों को. दूध के लिए उनके लाइक फर को यूज़ किया जाता है, उनके स्किन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर हम भेड़ की बात करें तो उसके फर को यूज़ किया जाता है, और मीट के लिए भी यूज़ किया जाता है गोट्स को, चिकन्स को, और हॉर्सेस को हैवी लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है, काओ को मिल के लिए, और जो डॉग होता है उसको गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, घर में गार्ड बना दिया जाता है उसको, और कई ऐसे डॉग्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है पुलिस फोर्सेस में भी. वाइल्ड एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स वाइल फीडिंग ऑन देयर नेक्टर. विदाउट बीज देयर वुड बी नो फ्रूट सीड्स इन द वर्ल्ड. अगर जो बीज और बटरफ्लाइज हैं, अगर ये अपने नेक्टर के लिए
इधर उधर नहीं जाएंगे तो फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे, और पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे तो कोई फल हमें कभी नहीं मिलेगा और नए बीज भी हमें नहीं मिल सकते हैं। वी डोंट जस्ट गेट हनी फ्रॉम द बीज बट वी एक्चुअली ओ आर एग्जिस्टेंस टू देम। लेकिन हमें सिर्फ शहद नहीं मिलता है बीज से, लेकिन हमारी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि अगर ये बीज यहाँ से वहाँ पॉलिनेशन के लिए, नेक्टर के लिए अगर नहीं करेंगे तो हमें कभी बीज नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो। एनिमल्स हेल्प टू कीप अ बैलेंस इन नेचर। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे नेचर को बैलेंस रखते हैं। हर्बीवोरस हेल्प टू फर्टिलाइज द सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूट सीड्स। कार्निवोरस जो होते हैं वो कीप द हर्बीवोर पॉपुलेशन इन चेक सो दैट दे डू नॉट ईट ऑल द प्लांट्स। देखिए हर कोई जो चीज़, जैसे अगर हम जानवरों की बात करें, जो हर्बीवोर हैं वो फर्टिलाइजेशन को हेल्प करते हैं। एक्चुअली हर्बीवोरस हेल्प टू फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज़ करता है सॉइल को और सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। जो कार्निवोरस हैं वो हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं ताकि सारे प्लांट्स को ये ना खा जाएं। इंसेक्ट पॉलिनेट प्लांट्स एंड वाइल फ्रॉग एंड बैट्स हेल्प टू कीप द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन बैलेंस। सो हर कोई जानवर एक दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है ताकि नेचर में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। इन नेचर नो एनिमल्स टेक्स मोर देन इट नीड्स। इस पूरे प्रकृति में कोई भी जानवर ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी नीड से ज़्यादा नहीं लेता है। इट ऑलवेज़ गिव समथिंग बैक इन रिटर्न। हर जानवर कुछ ना कुछ नेचर को रिटर्न करता है। दस कीपिंग अ बैलेंस विच वी कॉल सस्टेनेबिलिटी एंड वी ह्यूमंस हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एनिमल फ्रेंड्स। और हम ह्यूमंस को, हम इंसानों को इन जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये बेजुबान जानवर हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं। अब ये सीखने वाली बात है कि ये लोग कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बिना चाहे ये बेजुबान जानवर सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। सो हमें इनके जैसा समाज सेवा करते हैं बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा के। ये जितना लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्रकृति को दे देते हैं, हमको दे देते हैं, राइट? All right children, I hope you understand this chapter very well and don't forget to subscribe the channel ताकि जल्दी से जल्दी आपको new lessons के updates मिल सके आपके इस channel पर। Thank you. ऑल राइट, सो जो बटरफ्लाइज़ होती हैं मोस्टली, जिसे हम कहते हैं द मोस्ट फेमस वार्मिंग इंसेक्ट, दैट इज़ मोनार्क बटरफ्लाई। द मोनार्क बटरफ्लाई इज़ द ओनली बटरफ्लाई इन द वर्ल्ड दैट माइग्रेट्स इन अ ग्रुप टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर। यानी कि जो कोल्ड विंटर होता है, कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड विंटर सीजन में सर्वाइव करने के लिए ये लोग बहुत बड़े ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती हैं। अब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं उन इंसेक्ट्स के नीचे नाम दिए हैं, जैसे कि स्टिंग बग्स हो गया, लॉकस्ट हो गया और स्पाइडर्स हो गए, और एपफिड्स के बारे में बताया गया है। ना चिल्ड्रन, जब हम फिशेस की बात करते हैं तो जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है फिश का जो एक साथ रहता है, तो इसकी एक खुद की ओन स्पीशी होती है जिसको एक ग्रुप में इसका नाम दिया गया है शॉल्स। जो फिश है वो एक ग्रुप में ट्रैवल करती है, जब ट्रैवलिंग करते हैं लोग एक ग्रुप में, तो उसको हम स्कूल्स भी कहते हैं। जब भी फिश एक साथ होते हैं, एक साथ मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम स्कूलिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं? बर्ड्स के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये चिड़िया अपने जैसी चिड़ियाओं का ग्रुप ढूंढती हैं और उसको एक बहुत बड़े ग्रुप में सम्मिलित कर लेती हैं। दे आर द मोस्ट कॉमनली सीन ग्रुप एनिमल्स। सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला बड़ा बड़ा ग्रुप जो होता है वो चिड़ियाओं का ही होता है। इवन इन योर नेबरहुड यू मे हैव सीन द फ्लॉक्स ऑफ स्पैरोज, पिजन्स। आपने देखा होगा कौओं का ग्रुप, स्पैरोज़ का ग्रुप, पिजन्स का ग्रुप। दे ऑलवेज गैदर टुगेदर टू फीड और रेस्ट। या तो ये एक साथ आराम करने के लिए एक साथ होते हैं या फिर खाना ढूंढने के लिए। अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज इज कॉल्ड अ पैट। जब बहुत सारी फ्लेमिंगो बर्ड्स एक साथ होती हैं तो उसको हम पैट कहते हैं। ग्रुप ऑफ सीगल्स इज कॉल्ड फ्लॉक।
जो क्रोज होते हैं तो हम उसको मर्डर कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स होते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो हर बर्ड्स की कॉलोनीज को हम, या फिर एक बात ये समझ लीजिए कि हर बर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स के भी ग्रुप होते हैं, आगे चलते हैं। अब हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स, मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं जब वो साथ में होते हैं, बहुत बड़ा एक साथ ग्रुप होता है, उसको ग्रुप ही कहा जाता है। मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस यूजुअली प्रिफर टू लिव अलोन। अब यहाँ ये बात हो रही कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मोस्टली अकेला रहना पसंद करते हैं, दे डू नॉट मूव अराउंड इन ग्रुप्स। ये लोग एक साथ ग्रुप में कोई मूव नहीं करता है, ये अपने अपने मर्जी से अपने अपने तरीके से रहते हैं। देर आर अ फ्यू एक्सेप्शन व्हेन रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस स्टे टुगेदर। इसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो साथ में रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए, यूजुअली ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस। जब भी कोई सीज़न चेंज होता है तभी ये लोग इस तरीके से साथ में आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। ड्यूरिंग द मानसून और लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स गैदर इन पॉन्ड्स और वेल। जनरली जो जब भी मानसून होता है तो जो फ्रॉग्स होते हैं यानी कि मेंढक होते हैं, वो उनका बड़ा बड़ा ग्रुप एक साथ आता है। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड रीजन लार्ज नंबर ऑफ स्नैक्स गैदर इन अंडरग्राउंड हॉलोज टू हाइबरनेट। सो हाइबरनेट होने के लिए बहुत बड़े लार्ज ग्रुप में हम सांपों का एक झुंड देख सकते हैं विंटर सीजन में, जो ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं किसी हॉलो स्पेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ मैमल्स, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स कम टुगेदर टू लिव इन अ ग्रुप ऑफ देयर ओन स्पीशीज फॉर ईदर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एवर। मोस्ट बिहेवियर एनिमल्स मूव इन हर्ड लिविंग टुगेदर फ्रॉम बर्थ इन द प्रोटेक्शन ऑफ द हर्ड। मैनी कार्निवोरस एनिमल्स लिव एंड हॉन्ट इन पैक्स, दिस हेल्प्स देम इन हंटिंग देयर प्रे मोर इफेक्टिवली। सो जो मैमल्स होते हैं वो एक साथ रहना पसंद करते हैं अच्छे लाइक टाइम के लिए, ये लोग एक साथ रहते हैं काफ़ी समय के लिए नहीं, बाकी फॉर एवर रहने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी चॉइस होती है। ये कभी कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी साथ होते हैं और फॉर एवर भी हो सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी होती है। सो कुछ इसमें से हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो एक साथ एक झुंड में घूमते हैं और लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं अपने बर्थ से आगे समय के लिए, ताकि ये झुंड में एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। इसमें से कुछ एनिमल्स, बहुत से ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं और ये एक पैक बनाकर अगेन सर्वाइव करते हैं और शिकार ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्रुप दैट यू मे हैव सीन आर ग्रुप्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। हर्ड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज, फ्लॉक ऑफ शीप और पैक्स ऑफ डॉग्स आर कॉमन। सो डोमेस्टिक एनिमल्स की जनरल लाइक नॉलेज आपको ऑलरेडी है ही, क्या होता है क्या नहीं होता है। सो आई मीन इसमें भी वही चीज़ बताइए, किस तरीके से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो सेम ग्रुपिंग बिहेवियर होता है एज इवन लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स शो द सेम ग्रुपिंग बिहेवियर एज वाइल्ड एनिमल। जैसे वाइल्ड एनिमल्स साथ रहते हैं, ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स भी साथ रहना पसंद करते हैं, इवन दो दे हैव बीन लिविंग विद ह्यूमंस और फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से डोमेस्टिक एनिमल्स ह्यूमंस के साथ भी रहना जानते हैं और समझते हैं किस तरीके से वो रह सकते हैं। नो लॉन्गर नीड ऑफ सर्च फॉर फूड और प्रोटेक्शन। ये ह्यूमंस के साथ रहते हैं तो इनको कोई खाने या प्रोटेक्शन की कोई डर या टेंशन नहीं होती है। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड ऑन मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज फॉर प्रोटेक्शन एंड टू हेल्प देम सर्च फॉर फूड एंड दे नीड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स। लायंस हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। जब भी शेर जो होते हैं बड़े बड़े ग्रुप में, ये लोग एक साथ जाते हैं हंटिंग करते हैं शिकार करते हैं, इनको प्राइड बोलते हैं इनके ग्रुप को। हाइनास, वोल्फ्स एंड जैकल्स हंट इन पैक्स। ये सब पैक मतलब ग्रुप होता है, उसमें ये लोग शिकार करते हैं। एंड वाइल्ड एनिमल लाइज इन अ ग्रुप डैट इट बिलोंग्स टू। एनिमल्स दैट डू नॉट लिव और हंट इन ग्रुप्स आर कॉल्ड सॉलिटरी एनिमल्स। जो एनिमल्स ग्रुप में हंटिंग नहीं करते हैं उन्हें हम सॉलिटरी एनिमल्स कहते हैं और ये साथ में रहना भी पसंद नहीं करते हैं। मोस्ट लाइक कैट्स एक्सेप्ट फॉर द लायन आर सॉलिटरी एनिमल्स। बेयर्स, पांडाज आर सॉलिटरी। बेयर जो होता है, भालू हुआ, पांडाज हुआ, ये सब सॉलिटरी हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। प्रिफरिंग टू स्टे विद इन देयर ओन टेरिटरी, अपने ही टेरिटरी में रहते हैं। एंड चेजिंग अवे अदर मेम्बर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज। सम बिहेवियर्स लाइक एल्क एंड राइनोसॉर्स आर सो पावरफुल दैट दे डू नॉट फील द नीड टू हैव अ हर्ड टू कीप देम सेफ।
So wild animals of different species don't like to live and work together. To see different species of wild animals working in one group is unnatural. तो इस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि ये लोग एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहे एक ही स्पीशीज के क्यों ना हो। ये अपनी मस्ती और अपनी धुन में रहना पसंद करते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, किसी चीज़ का इंटरफेरेंस उसको पसंद नहीं है। अफ्रीका हैव टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स फीडिंग टुगेदर इन वन एरिया। अफ्रीका में दो से ज़्यादा ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमल्स के जो एक साथ खाते हैं एक ही एरिया में, एंड दे आर नॉट मिक्स इन टू अ सिंगल ग्रुप। और ये किसी एक ग्रुप में मिक्स नहीं होते, एज इट इज़ as it appears, so it is like a mixed herd, cruelty towards animals. So कई बार ऐसा देखा है कि humans जो है वो अपने entertainment, अपने fun और अपने जायके के लिए animals का बहुत ही बुरी तरह cruelly उनका use करते हैं। so that is called a cruelty actually for the animals. Sometime we people do, many circuses keep wild animals to perform फॉर आवर एंटरटेनमेंट। तो आपको पता होगा सर्कस में बहुत से ऐसे जंगली जानवरों का इस्तेमाल होता है ताकि वो एंटरटेनमेंट कर सके ह्यूमंस का। दे कीप दीज एनिमल्स इन अ केज और इन जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है इवन विदाउट पेइंग अटेंशन ऑन दैम। किसी प्रकार का उन पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है टू वॉट मेक्स दैम हैप्पी, और इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता कि वो कौन सी चीज़ है जिससे उनको खुशी मिल सकती है। सॉलिटरी एनिमल्स लाइक टाइगर्स आर कैप्ट इन ग्रुप, एंड ग्रुप एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स आर कैप्ट अलोन। और जो सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं यानी अकेला रहना जो पसंद करते हैं लाइक टाइगर्स आर कैप्ट इन ग्रुप, इन्हें ग्रुप में रख दिया जाता है। और ग्रुप एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, और जो एलिफेंट्स हैं जिन्हें ग्रुप में रहना पसंद होता है उन्हें अकेला रख दिया जाता है। इस तरीके से इन लोगों के साथ गलत किया जाता है। दीज वाइल्ड एनिमल्स आर मेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद पीपल। अब इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि जैसे कि ये इंसानों से भी इंटरेक्ट करे। दे आर मेड टू डू ट्रिक्स, और इन्हें ट्रिक्स सिखाई जाती है। दे आर बीटन, इन्हें मारा भी जाता है, इन्हें खाना भी ठीक से खिलाया नहीं जाता है। वी मस्ट नॉट एनकरेज सर्कसेस यूजिंग वाइल्ड एनिमल, हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इनक्रेज नहीं करना चाहिए कि वो सर्कस में ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को यूज़ करें। सर्कस एनिमल्स आर नॉट पेट एंड आर यूजुअली अनहैप्पी एनिमल्स। सो सर्कस में यूज़ किए गए एनिमल्स ना तो पेट होते हैं और ना ये खुश होते हैं, दे आर वेरी अनहैप्पी। इवन इन आर डेली लाइफ वी सी एनिमल्स बींग मिसट्रीटेड, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि एनिमल्स के साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर किया जाता है, बिहेव किया जाता है। सम पीपल टाई फायर क्रैकर्स, कुछ लोग होते हैं जो इनके पूँछ में जैसे कुत्ते की बिल्ली की और इनके पूँछ में हम जो क्रैकल होते हैं यानी कि जो पटाखे होते हैं वो बांध देते हैं और उनको कष्ट पहुंचाते हैं, पत्थर मारते हैं। वी शुड स्टॉप दीज थिंग, हमें ये सब चीज़ें रोकना चाहिए। वी शेयर अवर प्लैनेट विद दीज एनिमल, हम हमारे इस ग्रह को जानवरों के साथ हमें शेयर हम करते हैं और हमें करना चाहिए बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स ऑल्सो। वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए एनिमल्स के प्रति। इनके साथ हमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे उनको किसी प्रकार का हार्म पहुँचे। एनिमल्स इन आर लाइफ, सो हमारी ज़िंदगी में एनिमल्स का क्या रोल है ये तो खैर ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम भी पढ़ेंगे और थोड़ा और। ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव लिव टुगेदर फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आपको पता ही होगा कि इंसान और जानवरों का बहुत पुराना नाता है, कई सालों हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन्स, कई सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जा रहा है जाता है इंसानों के द्वारा। हर्बीवोरस लाइक जो हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं लाइक शीप हुई, भेड़ हुई, कैटल हुआ, गोट हुआ, हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर स्किन, इनको इनकी चमड़ी, दूध, फर और मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्निवोरस एनिमल्स यानी कि जो जानवर खाते हैं, खुद जानवर है और दूसरे जानवर को ये खाते हैं, जैसे कि कुत्ते हुए, कैट्स हुआ, ये भी डोमेस्टिकेट करे जाते हैं कंपेनियनशिप के लिए यानी एक साथी के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए और भी पता नहीं क्या क्या पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। दीज एनिमल्स हैव चेंज सो मच इन ऑल दीज ईयर्स दैट दे आर नो लॉन्गर वाइल्ड, इनको इस तरीके से चेंज कर दिया गया है कि अब ये जंगली जैसे हैं ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेट कर दिए गए हैं। दे लाइक टू बी विद ह्यूमंस, अब इनको ऐसा बना दिया गया है कि इन्हें ह्यूमंस के साथ रहना बहुत पसंद आता है। दे फील सेफ, इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सेफ हैं और इनको ह्यूमन की कंपनी भी पसंद आती है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव वाइल्ड रिलेटिव्स, एनिमल्स दैट आर सिमिलर टू देम बट नॉट टेम,
Domestic cattle have wild relatives like the gaur. Domestic goats, sheep have wild cousins like the mountain goat. Dogs are closely related to wild cats, and these wild relatives are not the same as their domestic cousins. They are shy of humans and they don't feel safe in human company. Humans must leave them alone. अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन जानवरों को हमने डोमेस्टिकेट कर लिया है उनके जो कज़न्स हैं, जो रिलेटिव हैं, वो वाइल्ड वाले भी हैं. जैसे वाइल्ड गोट भी होती है, वाइल्ड डॉग भी होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, और ये लोग ह्यूमंस के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं. ये लोग अपने आप को बड़ा ही अनसेफ महसूस करते हैं ह्यूमन कंपनी में. और आखिरी में ये बताया गया कि ह्यूमन को इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन अपने मतलब के लिए जानवरों को यूज़ कर लेता है, चाहे वो प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रोटेक्शन हो. किसी भी तरीके से एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स. मैनी एनिमल्स आर यूजफुल टू ह्यूमंस. डोमेस्टिकेट एनिमल्स. Domestic animals carry loads and give us milk, meat, leather and fur. We make wool out of the fur of the sheep. We get meat from domestic goats and chickens. Horses carry heavy loads for us and cow gives us milk. Dogs guard our house and cats keep our home free of pets. Free of pests. Dog are trained to work for the police force. Dogs ko train kiya jata hai police forces mein. Dogs also serve as service dogs for especially abled people. So, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है जानवरों को. दूध के लिए उनके लाइक फर को यूज़ किया जाता है, उनके स्किन को यूज़ किया जाता है. कि अगर हम भेड़ की बात करें तो उसके फर को यूज़ किया जाता है, और मीट के लिए भी यूज़ किया जाता है, गोट्स को, चिकन्स को, और हॉर्सेस को हैवी लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है, काओ को मिल के लिए, और जो डॉग होता है उसको गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, घर में गार्ड बना दिया जाता है उसको. और कई ऐसे डॉग्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है पुलिस फोर्सेस में भी. वाइल्ड एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प पॉलिनेट फ्लावर्स वाइल फीडिंग ऑन देयर नेक्टर. विदाउट बीज देयर वुड बी नो फ्रूट सीड्स इन द वर्ल्ड. अगर जो बीज और बटरफ्लाइज हैं, अगर ये अपने नेक्टर के लिए इधर उधर नहीं जाएंगे तो फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे, और पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे तो कोई फल हमें कभी नहीं मिलेगा, और नए बीज भी हमें नहीं मिल सकते हैं. वी डोंट जस्ट गेट हनी फ्रॉम द बीज, बट वी एक्चुअली ओ आर एग्जिस्टेंस टू देम. लेकिन हमें सिर्फ शहद नहीं मिलता है बीज से, लेकिन हमारी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं. क्योंकि अगर ये बीज यहाँ से वहाँ पॉलिनेशन के लिए, नेक्टर के लिए अगर नहीं करेंगे तो हमें कभी बीज नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, राइट? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो. एनिमल्स हेल्प टू कीप अ बैलेंस इन नेचर. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे नेचर को बैलेंस रखते हैं. हर्बीवोरस हेल्प टू फर्टिलाइज द सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूट सीड्स. कार्निवोरस जो होते हैं वो कीप द हर्बीवोर पॉपुलेशन इन चेक सो दैट दे डू नॉट ईट ऑल द प्लांट्स. देखिए, हर कोई जो चीज़, जैसे अगर हम जानवरों की बात करें, जो हर्बीवोर हैं वो फर्टिलाइजेशन को हेल्प करते हैं. एक्चुअली हर्बीवोरस हेल्प टू फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइज करता है सॉइल को और सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं. जो कार्निवोरस हैं वो हर्बीवोर की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं ताकि सारे प्लांट्स को ये ना खा जाएं. इंसेक्ट पॉलिनेट प्लांट्स एंड वाइल फ्रॉग एंड बैट्स हेल्प टू कीप द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन बैलेंस. सो हर कोई जानवर एक दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है ताकि नेचर में एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे. इन नेचर नो एनिमल्स टेक्स मोर देन इट नीड्स. इस पूरे प्रकृति में कोई भी जानवर ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी नीड से ज़्यादा नहीं लेता है. इट ऑलवेज गिव समथिंग बैक इन रिटर्न. हर जानवर अपनी लाइक नेचर, हर जानवर कुछ ना कुछ नेचर को रिटर्न करता है. दस कीपिंग अ बैलेंस विच वी कॉल सस्टेनेबिलिटी एंड वी ह्यूमंस हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एनिमल फ्रेंड्स. और हम ह्यूमंस को, हम इंसानों को इन जानवरों से बहुत कुछ सीखना चाहिए. ये बेजुबान जानवर हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं. अब ये सीखने वाली बात है कि ये लोग कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बिना चाहे ये बेजुबान जानवर सबके लिए बहुत कुछ करते हैं. सो हमें इनके जैसा समाज सेवा करने वाला एक यू नो लाइक कार्यकर्ता बनना चाहिए, जैसे कि ये लोग समाज सेवा करते हैं बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा के. ये जितना लेते हैं
उससे कहीं ज़्यादा ये प्रकृति को दे देते हैं, हमको दे देते हैं, राइट? ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जल्दी से जल्दी आपको न्यू लेसन्स के अपडेट्स मिल सके आपके इस चैनल पर. थैंक यू.